हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग वाला पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं एमपीटेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा की तैयारी। ठीक है, जहां पर हम लोगों ने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करी है। इस प्रैक्टिस सीरीज में आज आपको फिर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से क्वेश्चन मिलेंगे। तो गुड आफ्टरनून, एक बार जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बलिराम, भारत, आरती, धर्मेंद्र, सभी का स्वागत है। जितने बच्चे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, एक बार जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लो। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं तो ताकि क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, कल के क्लास के लास्ट में कमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और टफ भी लग रहे हैं और चीज़ें हम पढ़ रही हैं, सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, आपको जैसे कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंजना, जैसे कि आप सभी ने कल प्रैक्टिस सेट देखा, वैसे ही आपको आज एक नया प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें आपको फिर से नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज की क्लास का टॉपिक क्या रहेगा? फिजिक्स में आपको वर्क एनर्जी पावर से चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा आपको बायो में आपको कौन सा चैप्टर रहेगा? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का कुछ पार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट मिलेगा। इसी के साथ में केमिस्ट्री में, जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया, रेडियो एक्टिविटी, जिसके कुछ क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आए थे, तो अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं उन पर आधारित मैंने जो है न्यूमेरिकल भी रखे हुए हैं, एमसीक्यू भी रखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो वो सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मैम, मैंने PCM से BSc की हूँ, वर्ग 2 साइंस में पास कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप साइंस से दे दो, साइंस से दे, जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा है आप उससे जो है एग्जाम को दे सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में भी। और आज का पहला प्रश्न, पहली बात तो डरना नहीं है, क्वेश्चन देख कर कोई भागना नहीं है कि भाई जो है हमें नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं। बाकी आपका सब्जेक्ट जो भी अच्छा है, मैथ्स वाल, मतलब कि अगर मैथ्स है, क्योंकि कॉमन ही होता है, तो अगर जो भी मैथ्स अगर आप कर ले जाओ तो मैथ्स ले लो, अगर आप साइंस में अच्छा कर पाओ तो साइंस ले लो। ठीक है, दोनों में देख लो क्या मेरा पोर्शन अच्छा है उसी के आधार पर। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा लगभग है, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 kg ऑफ मैटर इज अबाउट 10^11 जूल, 14, 17 या फिर 18 जूल। पहला प्रश्न सीखने को मिलेगा, सीखने के उद्देश्य से आप हमारी क्लास में जुड़िए। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करते हैं बताना। कह रहा है 1 किलोग्राम पदार्थ, मतलब कि मास की वैल्यू दे दी है उसने, कितनी दी है 1 kg। ऊर्जा आपसे पूछ रहा है और हमारे ऊर्जा के नाम से इज इक्वल्स टू mc² ना लगे तो ऐसा हो नहीं सकता है, है ना। मास दिया गया है और कहीं ना कहीं आप लाइट की स्पीड तो जानते हो कितनी होती है, 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड होती है। बस आपको इसी पर अप्लाई कर देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अगर हमने अब इस फॉर्मूले में रखा, मास की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 3 × 10^8 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 8 × 2 = 16। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 × 2 = 16। और अगर हम ऑप्शन को देखें तो इसके सिमिलर आप 10^17 जूल जो है कर सकते हो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सी वाला आंसर, 10^17 जूल ऊर्जा जो है मिलेगी 1 किलोग्राम पदार्थ, मतलब 1 किलोग्राम पदार्थ के कितनी ऊर्जा होती है, लगभग उसमें कितनी जूल ऊर्जा हो सकती है, किसके बराबर हो सकता है, 10^17 जूल के। करेक्ट आंसर आपका सी वाला था। देखेंगे कितने लोगों ने सही लगाया है, 33% लोगों ने, बिल्कुल है ना, 33% लोगों में। आरडी गर्ल, हीरा लाल जाटव, निशुलता, नीलोफर, जूली और विभूति, बहुत बढ़िया, सीखने को मिलेगा। हम आपको बताते हैं ये क्वेश्चन अभी आप करो, फिर संडे को मैराथन लेकर के आएंगे, तब आप दोबारा से यही वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, दोबारा से यही वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। अरे किसी ने कल लास्ट में याद ही नहीं दिलवाया, हमने बोला था लास्ट में हम लोग पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे फिर जा करके कल की क्लास स्टार्ट करेंगे, कल किसी ने याद नहीं दिलाया, कल की क्लास खत्म हो गई, तो इसी वजह से अब टॉपिक तो लाना ही था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज सी इन ऑल डायरेक्शन इज द, वह निर्देश फ्रेम जिसमें सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल,
सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल समान जो है कब हो सकती है, किसके सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष, नॉन इनर्शियल फ्रेम आजड़त्वीय फ्रेम में, या फिर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में कब जो है प्रकाश की चाल सभी उसमें समान होगी। बिल्कुल दीक्षा, महापैक की फीस बढ़ नहीं गई है, जैसी पहली थी वैसी हो गई है। कुछ दिनों का आपको ऑफर दिया गया था 5 जून तक का, वैसे ऑफर वो 3 जून तक ही था, लेकिन हमने 3 जून को एमपीडेट का लॉन्च किया था, इसीलिए मैंने 2 दिन बढ़वा दिया था उसको, 5 जून तक की हो गया था। जिन बच्चों ने 5 जून तक ले लिया उनको तो 1600 में मिल गया, अभी तुम्हें 2000 देने पड़ेंगे, है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल होती है, सूर्य के रिस्पेक्ट में नहीं। अगर आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट निकालते हो, कोई भी रेफरेंस पॉइंट निकालते हो एक्स वाई और जेड, किसके रिस्पेक्ट में सब में समान है, ये है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ये क्या है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जिसके आधार पर कोई भी वस्तु कहीं पर भी हो हर जगह से समान दिखेगी। ठीक है, हर जगह से समान होगी। डी वाला आंसर आधा आधा का है और काजल ठाकुर का आंसर बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के आधार पर प्रकाश की चाल हर जगह से समान होगी। ठीक है, डी वाला आंसर, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी वाला आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थ्री। देखो नीलोफर ये कह रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम आजड़त्वीय फ्रेम, मतलब कि उसमें कितने होंगे, सिर्फ एक्स और वाई एक्सेस हो जाएंगे। ये कम से कम एक तरीके से कह सकते हो 3D इमेज, सभी दिशाओं से कोई भी चीज अगर आप देख रहे हो उसके लिए आपको इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें हर जगह से चीज जो है समान दिख रही होती है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक पंप मशीन 2 किलोवाट की है, कितनी पावर है पंप मशीन की, पावर कितनी है 2 किलोवाट। ठीक है, यह 1 मिनट में 10 मीटर ऊंचाई तक, टाइम कितना दिया गया है 1 मिनट, मतलब कि 60 सेकंड, है ना, 10 मीटर ऊंचाई, हाइट कितनी दी गई है 10 मीटर ऊंचाई, जी कितना दिया गया है, जी दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताना है कितना पानी पंप करेगी, लीटर में पूछ रहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपसे मास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, कितना लीटर। ठीक है, एक तरीके, क्योंकि किलोग्राम कहीं ना कहीं उसी से, 1000, 1200, 100 या फिर 2000। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा बताएंगे। शिवशंकर, प्रज्ञा, मंजुला, सुनीता, राम की किरर, निशुला, सभी बताएंगे डी आंसर, पक्का पक्का डी आंसर। देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, आपको पावर दिया गया है, पावर जानते हो ना, एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, एकांक समय में किए गए कार्य की शक्ति को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। P इज इक्वल्स टू W बाई T, W क्या होता है, कार्य होता है, जिसको जूल में रिप्रेजेंट करते हो, तो आप इसको एनर्जी के फॉर्म में भी तो लिख सकते हो, E बाई T भी तो लिख सकते हो इसको, और पावर तुम्हारा दे दिया गया है 2 किलोवाट। ठीक है, कितना दे दिया गया है, 2 किलोवाट दे दिया गया, जिसको अगर हम वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10³ वॉट, है ना। ई आपको पता नहीं है एनर्जी, टाइम आपका दे दिया गया है 60, तो एनर्जी निकाल सकते हो 6 × 12 120 गुणे में 10³ जूल, कितना आ गया 120। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो, चलो यही लिखा रहने दो। अब हमसे कह रहा हाइट वगैरह भी दिया गया है, कहां लिख दे, हाइट वगैरह भी दिया गया है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, U इज इक्वल्स टू MgH,
है ना। यू मतलब क्या हुआ, आप इसको ई भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू एम जी एच। ई की वैल्यू दी गई है, मास आपसे पूछ रहा है लीटर में, ई बाई जी एच हो जाएगा। ई की वैल्यू 120 गुणे में 10^3, जी की वैल्यू 10, हाइट भी आपकी 10 दी गई है, जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से ये वाला दो ही बचा, कितना हो जाएगा 1200 लीटर। ये आपका केजी में आए, सॉरी मास है केजी में आए, और यही केजी को आप क्या लिख सकते हो, यही केजी को आप 1200 लीटर लिख सकते हो। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर। कोई भी ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो, कोई भी ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो, ठीक है। एक पंप मशीन 2 किलोवाट की है, पावर कितना दिया गया है 2 किलोवाट, जिसमें किलोवाट को चेंज कर देंगे वॉट में, 2 × 10^3 वॉट। टाइम कितना दिया गया, 1 मिनट, जिसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 60 सेकंड हो गया। अब जो है हाइट दी गई है 10 मीटर, जी आपका दिया गया है 10 m/s², क्या हो जाएगा, P is equals to W by T, वही भैया कार्य की जो है एनर्जी जूल होती है, तो E by T हो जाएगा। अब पावर आपका 2 × 10^3 is equals to E by 60, क्या आ गया, E is equals to 120 आ गया, और वही U is equals to स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी जिसको कहते हो, क्या कहते हो, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हो, इज इक्वल्स टू एम जी एच, एम इज इक्वल्स टू ई बाई जी एच, ई कितना दिया गया, दिस दिस, और इस तरीके से 1200 आंसर आ गया बी वाला ऑप्शन। जल्दी से सभी थम्स अप करेंगे, आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। पायल, भारती और अदा अदा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचो मेरा गलत हो गया, ये सोचो एक क्वेश्चन सीख गए हम, ठीक है। एक ही चीज के दो पहलू होते हैं। अगला प्रश्न, बांध में एकत्रित पानी, पानी क्या है, स्टोर्ड है, स्टोर्ड वाटर है, बताएंगे कौन सी ऊर्जा, कोई ऊर्जा नहीं, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जल्दी से बताएंगे। प्रज्ञा, प्रतिभा, रोहित, सुनीता, सूरज, आयशा, नीलोफर, आरु, सभी बताएंगे। बांध में एकत्रित पानी, पानी जब स्टोर्ड है, स्थित है, तो क्या हो जाएगी, कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, बिल्कुल सही। अब आपको बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, अब आया मैम समझ, बहुत बढ़िया, क्या हो गया, डी वाला आंसर, डी आंसर 90%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, वैसे तो फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू एम जी एच, ये होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, मतलब किसी की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, ठीक है, किसके कारण, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, जैसे कोई स्प्रिंग होती है ना, जैसे स्प्रिंग होती है और स्प्रिंग जो है अपने आकार को चेंज कर दे रही है, अगर किसी वस्तु के आकार में चेंज हुआ, वहां पर भी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर कोई वस्तु कितनी हाइट पर स्थित है, वहां पर भी स्थितिज ऊर्जा होती है। पोजीशन में चेंज होता है, वहां पर भी स्थितिज ऊर्जा होती है। इस प्रकार से डी वाला आंसर करेक्ट है। 1 वॉट घंटा किसके बराबर होता है, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। 1 वॉट घंटा 3.6 × 10^3 जूल, 3.6 × 10^2 जूल, 1 horsepower या फिर 4.2 जूल। डरना बिल्कुल नहीं है कि हमें नहीं आ रहा है, हमें नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं डरना है, बस आपको सुनते जाना है, कॉपी ले करके बैठना नहीं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। फिजिक्स कर रहे हो, बिना कॉपी के पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है करने का। 1 वॉट घंटा किसके बराबर हो जाएगा, बस आप चेंज कर दो, 1 वॉट में किसके बराबर, कितने बराबर होता है, 1 joule/s के बराबर होता है ना, 1 joule/s, तो 1 वॉट घंटा कह रहा है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 joule/s, और घंटे को बदल दो सेकंड में, कितना हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 60 × 60 से गुणा कर दो, 6×6 3600 क्या हो जाएंगे जूल, तो ठीक है 3600 हो जाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3.6 × 10^3 जूल, क्या लिख सकते हो इसको, आप सभी इसको क्या लिख सकते हो, 3.6 × 10^3 जूल, या फिर 3600 जूल ही लिख दो, या 3.6 × 10^3 जूल लिख सकते हो। ए वाला आंसर करेक्ट है, कुछ भी खास था नहीं, ये वाला तो आसान था, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर कर दिया है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे,
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर फिजिक्स है तो भाई न्यूमेरिकल इंग्लिश में ज्यादा यूज करिए, हिंदी टर्म समझ नहीं आते। चलो ठीक है, दोनों तरीके के बच्चे हैं संजना। अ सर्टेन एप्लायंस कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 1200 जूल पर मिनट। दिस इज द सेम एज सेइंग दैट द एप्लायंस कंज्यूम, एक निश्चित उपकरण 1200 जूल प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है, या कहने के समान है कि उपकरण खपत करता है, कितनी खपत करेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज आपको थोड़ी सी अजीब दिख रही होगी। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 न्यूटन, 20 किलोग्राम प्रति सेकंड, ये चुकता जाने का आ गए, 20 वॉट। देखो क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, 1200 जूल पर मिनट, आपको क्या दिया गया है, 1200 जूल पर मिनट की दर से ऊर्जा की खपत कर रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला आप लगा दो, एनर्जी दे दी गई है क्या 1200 जूल पर मिनट, टाइम कितना दे दिया गया है 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लो, वही कितनी ऊर्जा खपत कर रहा है, P = W/T है ना, क्या होता है P = W/T, 1200/60, 6 × 12 क्या हो जाएगा 20 वॉट, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, क्या यूनिट होती है 20 वॉट हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया, 63% डी वाला आंसर करेक्ट है। कोई ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आओ, एक इजी सा क्वेश्चन, एक ऐसा धातु जिसमें लोहा भी तैरता है, कोई वस्तु किसी पर तैर रही है, इसका मतलब क्या है, जिस पर तैर रही है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो तैर रहा है उसकी डेंसिटी कम होगी, यही तो मतलब हुआ। तो एक ऐसा धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज या फिर पारा, आपको पता है पारे का घनत्व, मरकरी का घनत्व जो है किससे ज्यादा होता है, लोहे से ज्यादा होता है, ठीक है, पारे का घनत्व लोहे से ज्यादा होता है, इसलिए लोहा जो है किस पर तैर सकता है, पारे से में तैर सकता है, ठीक है, किस में तैर सकता है, पारे में तैर सकता है, करेक्ट, ले पोल तो दिया ही नहीं था। चलो तो डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। जितने भी बच्चे हैं सभी लोग एप्लीकेशन पर, आपको पता है एप्लीकेशन कौन सा है, फिजिक्स वाला एप्लीकेशन है, इस पर आपका एमपीटेट, ठीक है, एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का कोर्स आ चुका है, आप सभी लोग जानते हो, है ना, उसको चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो जाकर के, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी, 13 तारीख से क्लास शुरू हो जाएगी मंगलवार से, तब तक यहाँ पर हम लोग करेंगे, बिल्कुल कोर्स से रिलेटेड चीजें हम आपको बता तो रही हैं। फिजिक्स वाला एप्लीकेशन अभी लास्ट में रुके रहना, हम आपको कोर्स भी खोल करके दिखा देंगे किस तरीके से आप उस पर जुड़ सकते हो। तो भैया 6 बजे से क्लासेस डेली 13 जून से डेली 6 बजे शुरू हो जाएंगी, वो 1 घंटे का सेशन होगा, 1.5 घंटे का सेशन होगा, डिपेंड करता है टॉपिक पर, ठीक है, तो डेली होगा ये वाला क्लास, जल्दी से ज्वाइन कर लो जितने बच्चे भी हैं, ताकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें मजा आए, फिर हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, सिलिकन है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है या फिर आयरन है, बताएंगे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है। प्रज्ञा, मल्टीपल स्टडी पॉइंट, रवि कुमार, बिंदु, देशराज, यदु, रोहित, सिंह, लास्ट में रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे। इसी के साथ में बताते हैं, हमारी भूपर्पटी पर, अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लगभग 46%, बाकी गैस में बात करेंगे, हमारे एटमोस्फेयर की बात करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, लेकिन अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, भूपर्पटी पर बात करते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, देन सिलिकन है, देन एल्यूमिनियम है, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। इसे भी इतने कम लोगों ने सही किया, भाई बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, आज क्या हो गया तुम लोगों को, ठीक है। पूजा माली, पायल, गोविंद, सोनम, संध्या, शुभम, प्रज्ञा वर्मा, पूजा, राजवीर, आरु, विनती, बहुत बढ़िया, 23 लोगों के नाम इस पर दिख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, केशिका नली में किसी द्रव का चढ़ना, जैसे रुई की बत्ती होती है ना, पानी, वो रुई जो वो होता है,
मिट्टी का तेल होता है, बत्ती से ऊपर जाता है, कैपिलरी की प्रोसेस, केशिका तो जिसको कहते हो, क्या कहते हो, केशिका तो जिसको कहते हो, तो द्रव का चढ़ना किस कारण होता है, उसकी श्यानता, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो जानते हो उसका गाढ़ापन क्या होता है, गाढ़ापन उसके उस पर डिपेंड करता है, ऑस्मोसिस, परासरण, डिफ्यूजन, विसरण या फिर सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, किसकी वजह से होता है, केशिका नली में किसी द्रव का चढ़ना, कोई द्रव ऊपर चढ़ता है किसकी वजह से ऊपर चढ़ता है, तो वह उसके पृष्ठ तनाव की वजह से, किसकी वजह से, उसके सरफेस टेंशन की वजह से द्रव जो है केशिका नली में ऊपर चढ़ता है, ठीक है। केशिकत्व का गुण होता है एक तरीके से, कैपिलरी वाली प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन 68% बच्चों के नाम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की यूनिट, भाई जबरदस्त प्रश्न, जनरली आप क्या पढ़ते हो, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या पढ़ लेते हो, एफ इज इक्वल टू एफ बाई एल, यही तो पढ़ लेते हो सरफेस टेंशन, न्यूटन पर मीटर, क्या पढ़ लेते हो, न्यूटन पर मीटर, जो कि कैसी यूनिट होती है, MKS यूनिट होती है, लेकिन यहाँ तो कहीं ना न्यूटन का नाम है ना ही मीटर का नाम है, यहाँ तो डाइन सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर इनमें से कोई नहीं, मतलब ये यूनिट आपको CGS में दी गई है और ये आंसर आपको बताना है, पृष्ठ तनाव की यूनिट। अब आपसे इस तरीके की यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें पहला ही टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट का है और ये प्रश्न आपके आए हुए हैं, TGT लेवल के प्रश्न आपको डेली यहाँ पर 1 बजे करवाए जाते हैं। तो पृष्ठ तनाव की यूनिट क्या हो जाती है, CGS यूनिट हो जाती है डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी हो जाती है, डाइन पर सेंटीमीटर हो जाती है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, 27%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जितने बच्चे नहीं कर पा रहे हो आंसर, डरना नहीं है, ना ही डीमोटिवेट होना है कि हमें तो कुछ नहीं आ रहा क्लास में, भैया नहीं आता है तभी तो तुम क्लास में आए हो, तभी तो यहाँ पर क्लासेस शुरू हुई है कि अब आ जाएगा, अभी तक नहीं आता था कोई बात नहीं, पर अगर आगे भी नहीं आएगा तब आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो चीजें सिखाई जा रही हैं और बहुत जल्द इनका मैराथन लेकर के आएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन एक रैपिड फायर राउंड में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर लिपिड्स, आपको बता देते हैं, ए वाला है मैम डाइन पर सेंटीमीटर, तो डाइन पर सेंटीमीटर, इसमें डाइन सेंटीमीटर, इसमें पर तो ऑप्शन में ही नहीं, ये देखो सेंटीमीटर इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए बी वाला आंसर होगा, बहुत बढ़िया। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है ये बताएंगे, आपको बता देते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सबसे पहले हमको ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन आप जानते हो कहां से शुरू होता है, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से शुरू होता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट के बाद में फिर हमारी शरीर में ऊर्जा का स्रोत फैट होता है, वसा होता है, और फैट के बाद में हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स जो है वो प्रोटीन होता है, प्रोटीन से भी हम लोग जो है ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। 90% बच्चों का नाम इस पर दिख रहा है, बहुत बढ़िया, जितने भी लोग इस पर आंसर कर रहे हो बिल्कुल सही। तो हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में, हमारे बॉडी ऑर्गन में कहां से शुरू होता है, तो इसका जो पाचन होता है वो बकल कैविटी से, कहां से शुरू होता है, वो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहां पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पर भोजन का पाचन होता है। पोडोसाइट कोशिकाएं कहां पर, तो कितना सिंपल, मतलब सिंपल क्वेश्चन नहीं है, कह सकते हैं अगर आ जाएगा तो सिंपल ही लगेगा, लेकिन सोचो एकदम 4 लाइन का प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आता है तो तुम लगा दोगे, नहीं आता है तो इधर उधर भटकते रहोगे, है ना। बताएंगे पोडोसाइट कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, किडनी में, लिवर में, टेस्टिस में या फिर ओवरी में, आपको बता देते हैं, हमारी बॉडी में क्या होते हैं,
मैम क्या इतने, बिल्कुल सौरभ इतने ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अगर हमारी बॉडी में पूछा जाए वृक्क की, वृक्क मतलब क्या हुआ, किडनी की, किडनी की संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, संरचनात्मक इकाई, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं, किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के सबसे आगे वाले भाग में, ठीक है, नेफ्रॉन के सबसे अग्र भाग में, किसमें, सबसे आगे वाले भाग में क्या होती है, बोमन कैप्सूल। ये जब आपको पढ़ाया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें प्रॉपर आपको दिखाए जाते हैं, प्रॉपर आपको दिखाया जाता है कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का होता है, इसमें जो है ब्लड जो है आता है, मतलब चौड़ा मुंह होता है, जो अशुद्ध ब्लड आता है यहाँ पर, कहाँ पर, बोमन कैप्सूल। इस बोमन कैप्सूल के अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है, कोशिकाओं का जाल होता है। क्या होता है, इस बोमन कैप्सूल के अंदर कोशिकाओं का जाल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस ग्लोमेरुलस के अंदर, इस ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से पार्ट्स पाए जाते हैं, उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। वही है पोडोसाइट सेल्स, कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये किडनी में पाई जाती हैं। किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन, ठीक है, ये क्या करता है, जनरली ब्लड को फिल्टर करने का काम, यहाँ पर क्या होता है, ब्लड को फिल्टरेशन, ब्लड का फिल्टरेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और आंसर देखेंगे कितने बच्चों ने क्या लगा दिया। ए वाला आंसर आपका सही है 33%, सूरज और सोनम साहू। ध्यान रखिएगा, कौन, सौरभ का तो नाम भी नहीं आया, सौरभ कह रहे इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे। 999 फीस है, 1398 फीस नहीं है, स्टेशनरी आप ऐड कर रहे होगे, अगर चाहिए तो लेना, नहीं चाहिए तो मत लेना, सिर्फ 999 में फीस ले, कोर्स ले लेना। पोडोसाइट सेल्स किस में पाई जाती है, हमारे किडनी में पाई जाती है, वृक्क में पाई जाती है। अगला जबरदस्त प्रश्न, जो कि हम देखना चाहेंगे कितने लोग सही आंसर करते हो, ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है। मतलब तुमको लगेगा इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ग्लूकोज का पाचन किस जगह से, बकल कैविटी, आमाशय, छोटी आंत, इनमें से कोई नहीं, देखते हैं कितने लोग बताएंगे। नोएडा में है बंटी अकेने, मेरी ब्रांच कहां पर है। ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है, देखो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से होता है, बकल कैविटी से होता है। हमें पता है तुम लोग कहां पहुंच रहे हो, कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट होते हैं मोनोसैक्राइड, ले मोनो भी नहीं लिखना आ रहा, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड, इसी के ही पार्ट तो होते हैं ना, किसके, कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट होते हैं मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड। आपको बता देते हैं ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एक मोनोसैक्राइड होता है, ठीक है, ग्लूकोज एक मोनोसैक्राइड होता है, इतना छोटा होता है कि इसका पाचन ही नहीं होता, पच ही जाता है अपने आप से, कोई जगह नहीं चाहिए इसको पाचन के लिए। तो ये कहां से प्रारंभ होते हैं, इनका कोई प्रारंभ नहीं होता है। ग्लूकोज का पाचन मतलब ग्लूकोज एक मोनोसैक्राइड है, जिसके पाचन के लिए हमें कोई जगह नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सुनिएगा ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से, ठीक है, मुख गुहा से प्रारंभ होता है, बकल कैविटी के बाद में फिर ये छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाता है। और किस तरीके से पाचन होता है, जैसे जो बड़ा जो खाना आप खाते हो,
स्टार्च का पाचन होता है ना, स्टार्च का पाचन बक्कल कैविटी में, जो बड़ा बड़ा सा पॉलीसैकराइड होता है डाइसैकराइड में टूट जाता है, डाइसैकराइड मोनोसैकराइड में टूट जाते हैं और इस प्रकार से हमारा भोजन का पाचन हो जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है, डी वाला आंसर हो जाएगा भैया, इतना छोटा होता है इसका पाचन की कोई जरूरत नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। आपसे पूछा जाए प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, ठीक है, आपसे पूछा जाए प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो वो आपका स्टमक से, आमाशय से प्रारंभ होता है। ठीक है, आमाशय से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से हमारे डाइजेशन का मैक्सिमम पार्ट कहां पर होता है, भोजन का पाचन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो मैक्सिमम पार्ट जो है छोटी आंत में होता है। इसके अलावा जो फैट होती है, फैट वसा का पाचन सिर्फ और सिर्फ छोटी आंत में ही होता है, वसा का पाइसीकरण जिसको इमल्सिफिकेशन कहते हो वो भी आपका छोटी आंत में ही होता है। डी वाला आंसर सही होगा और हमें लग रहा है डब्बा खाली है इसका, है ना, इसका बिचारी का डब्बा खाली रह गया, इतने लोग होते हुए भी कोई इसका डब्बा ना भर पाया, कोई बात नहीं दोबारा से भर दिया जाएगा, है ना, दोबारा से इनका डब्बा भरा जाएगा, बोल दो इन लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में उपस्थित जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम, जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम हमारी लार में कौन सा पाया जाता है, कि एक ऐसा एंजाइम कि अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं उनको नष्ट कर देता है, या फिर कौन कौन से लिक्विड होते हैं हमारी बॉडी में जिसमें कि ये पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम, कैमोट्रिप्सिन, लाइसोजाइम या फिर टाइलिन एंजाइम, बताएंगे लार में उपस्थित जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम कौन सा है, लार में उपस्थित जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम कौन से हैं ये बताएंगे, जल्दी से बताएंगे लार में उपस्थित जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम, तो लार में जो है लाइसोजाइम जो होता है, क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम है। ठीक है, लाइसोजाइम क्या है, एक एंजाइम है जो कि किसमें पाया जाता है, एक जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम है और ये किसमें किसमें पाया जाता है, ये हमारे पसीने में भी उपस्थित होता है, हमारी लार में भी उपस्थित होता है, हमारे आंसू में भी उपस्थित होता है। ठीक है, इन सब जगहों पर क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, 34% बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, देखिए आसान हो गया प्रश्न बिल्कुल, अगर आपने मेरी थ्योरी सुन ली है तो, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है आंसू में, चलो पहले पोल दे देते हैं ताकि इस बार तो भैया हम चाहते हैं कम से कम 940 लोगों, 200 लोगों का तो नाम दिखे इसमें। ठीक है, आंसू में, पसीने में, लार में या फिर उपरोक्त सभी, लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं, जल्दी से बताएंगे भाई, तो 213 फिर भी डब्बा गोल, ऐसा क्या है भाई, कोई बात नहीं वो नहीं आ रहा होगा इस वजह से। ठीक है, क्या हो जाएगा, लाइसोजाइम एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम जो है हमारी लार में भी, हमारे आंसुओं में भी, हमारे पसीने में भी। तो इसलिए कभी अगर दुखी हो ना, सुना मेरी बात ध्यान से, अगर आप जीवन में, मतलब जीवन क्या, जीवन तो बहुत बड़ा है, अगर इस बीच भी अगर आप दुखी हो ना, तो अगर आपकी आंखों से आंसू आए तो उस समय तुम ये सोच लेना मेरे आंसुओं में ये जो बह रही है ना, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम है, तुम मतलब अपने आप से ही हंसने लगोगे, तुम सोचोगे कि क्या मैंने बहुत ज्यादा साइंस पढ़ ली है, 74% और सिर्फ 74 लोग ही दिख रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे। ठीक है, डी वाला आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मानव के स्वस्थ आमाशय तथा आंत के भीतर पीएच, आप जानते हो हमारे पेट में क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, हमारे पेट में HCl है और हमारे आंत में भी किसी ना किसी प्रकार की कुछ तो है ही, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, आपको बताना है कितना पीएच है, एसिडिक है और अम्लीय तथा क्षारीय है, 1.8 और 7.8, क्षारीय तथा अम्लीय, 7.8 तथा 1.8, दोनों अंगों में अम्लीय है या दोनों अंगों में क्षारीय है, जल्दी से आंसर करेंगे। प्रज्ञा, शिल्पा, शीला, प्रज्ञा, गोपाल, अंजना, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट वाला,
करेक्ट वाला आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला या डी वाला? बिल्कुल सही, हमारे आमाशय में क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो उसका पीएच 1.8 है। आंत्र में क्या होता है? गॉबलेट सेल्स होती हैं, ठीक है, गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस का स्राव करती हैं। किसका स्राव कर देती हैं? म्यूकस का स्राव कर देती हैं, जो कि एक तरीके से बेसिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय नहीं होता है। 7.8 उसका पीएच होता है। तो डी नहीं है भैया, ए वाला आंसर है, ठीक है। 54%, जिसमें कि 45 लोगों का नाम दिख रहा है, ठीक है, 45 लोगों का नाम दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मतलब तुम देखोगे कि ऐसा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको पता है तो आसान है, नहीं पता है तो फिर सब झोल है। हेनली लूप किसमें पाई जाती है? हेनली लूप किसमें पाई जाती है? लूप ऑफ हेनले, फेफड़ों में, हृदय में, यकृत में या फिर वृक्क में? बताएंगे जल्दी से, लूप ऑफ हेनले किसमें प्रेजेंट होती है? स्मिता तिवारी, गोविंद, प्रशांत, मुस्कान, सूरज, निशा, सभी बताएंगे क्या हो जाएगा? सुलोचना, लूप ऑफ हेनले। अभी हमने आपको एक बोमन कैप्सूल के बारे में बताया था, जिसमें बहुत सारी ग्लोमेरुलस सेल्स प्रेजेंट थी, ठीक, ग्लोमेरुलस कोशिकाएं। इसमें होता क्या था? अशुद्ध रक्त आता था और शुद्ध रक्त चला जाता था, और ये कैसे कनेक्टेड थी? एक ये कनेक्टेड थी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसी में ही ये पूरा जो है सांप जैसे ऐसे लिपटा रहता है, ठीक है, सांप जैसे इसमें लिपटा रहता है, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। इसको ही, जो यू शेप आप देख रहे हो, इसे ही लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही लूप ऑफ हेनले कहते हैं। होता क्या है कि अशुद्ध रक्त आता है, यहां पर छनता है और बाहर बाहर चला जाता है, ठीक है, बाहर बाहर चला जाता है। जो भी अशुद्धियां इनमें रह जाती हैं, वो दोबारा से इनके द्वारा श्रावित कर ली जाती है। यहां पर क्या बनता है? यहां पर बनता है आपका लूप ऑफ हेनले। तो ये किसमें प्रेजेंट है? ये आपके किडनी में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? ये आपके किडनी में प्रेजेंट होता है। डी वाला आंसर आपका सही था और बहुत बढ़िया। चलो फाइनली 124 लोगों का नाम दिख रहा है, इस पर मैं बहुत खुशी हो रही है, ठीक है, ठीक है। परासरण को नियंत्रण करता है, ये वाले सारे काम होते हैं, यू ब्लड के फिल्टरेशन में, यूरिन के फॉर्मेशन में ये किडनी हेल्प करता है। नेक्स्ट, तुम्हारा मन पसंद फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस, बेरी बेरी, परसीनियस एनीमिया या फिर स्कर्वी? बताएंगे जल्दी से, कोर्स लेना है कैसे ले? प्रीति परमार, आप फिजिक्स वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें आप डालोगे एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा, उस पर आपका आ जाएगा, उस पे एनरोल का ऑप्शन आएगा, एनरोल कर लो, हो गया, कोर्स मिल गया। नहीं तो भी लास्ट में आपको दिखाते हैं कैसे कैसे जा सकते हो। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से परनीशियम एनीमिया कौन सा हो जाता है? परनीशियम एनीमिया हो जाता है, रक्ताल्पता हो जाता है। जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, जल्दी से बताएंगे, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएंगे विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से, स्पीड में बताएंगे, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? B2 की कमी से विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जल्दी से बताएंगे, लक्ष्मी, हर्षिका, अंबिका, लक्ष्मी, निधि, वैभव, जल्दी से। किलोसिस नाम सुना है? विटामिन B2 की कमी से किलोसिस हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन D की कमी से क्या होता है?
रिकेट्स हो जाता है। छोटे बच्चों में क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है, और बड़े लोगों में ऑस्ट्रोमलेशिया नामक जैसा रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्कर्वी रोग किसकी कमी से, मतलब तुम्हारे फेवरेट क्वेश्चन, गलत मत कर देना नहीं तो समझ लो पाप पड़ेगा तुम्हें, इतना सिंपल और बता भी चुके हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, ये बिल्कुल अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब सिर्फ दुश्मनी नहीं निकालता है एग्जामिनर तुमसे, ठीक है, कुछ तुम्हारे मनपसंद क्वेश्चन भी देता है, इसलिए तुम्हारे मनपसंद क्वेश्चन लेकर के आए। स्कर्वी रोग बताएंगे, स्कर्वी जो है आपका विटामिन सी की कमी से, ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो जाता है। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, तब 52 लोग बता पाए हो भाई, ठीक है, इस ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा अपने वसीय अम्ल से प्राप्त नहीं होता है? वसीय अम्ल से कौन सा प्राप्त नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, कौन अम्ल, कौन सा अपने वसीय अम्ल से प्राप्त नहीं होता है? क्वेश्चन का समझने का पूछने का तरीका अलग है, वही है जल में घुलनशील कौन से है, विटामिन बी और विटामिन सी, वसा में घुलनशील कौन से है, तो के ई डी और ए, तो वसा में नहीं प्राप्त होता है, बी और सी में कोई मिल जाए वही लगा दो, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 50% लोगों में 31 लोगों का नाम, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है शायद, इस वजह से तुम लोग दे तो रहे हो आंसर, या और स्पीड में दो। अच्छा ये वाला प्रश्न जबरदस्त, ये प्रश्न जबरदस्त, और हम आपको बताएंगे रतौंधी रोग कैसे हो जाता है, ठीक है, पता है कि नहीं पता आपको? ये नहीं कहना ना विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, ये हमें भी पता है, उसमें भी कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे। विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है? सोमेटोस्टैटिन, रेटिनिन, स्कोटॉप्सिन या फिर आयरिस के वर्णक का? जल्दी से बताएंगे, विटामिन ए किसके संश्लेषण का पूरा योगी है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से क्या हो जाएगा? बिल्कुल, विटामिन ए किसके संश्लेषण का? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल नाम है, जिसका एक घटक होता है, कौन सा घटक होता है जिसमें, एक कौन सा घटक होता है इसमें? रेटिनिन नाम का, यही जो है रेटिनिन नाम का एक घटक पाया जाता है, इस घटक में ही, इस घटक का ही एक पार्ट होता है रेडॉप्सिन, इस घटक का ही एक पार्ट होता है रेडॉप्सिन, जो कि एक प्रकार के, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन युक्त वर्णक होता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन युक्त वर्णक होता है, मतलब प्रोटीन उपस्थित होती है, और इसी की मदद से, इसी की मदद से रात के समय, इसी की मदद से रात के समय हमको कोई भी वस्तु या तो सफेद दिखाई देती है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है, तो काली दिखाई देती है। अब जब इसी की कमी, किसकी कमी? जब विटामिन ए की कमी हो जाती है, इसी वजह से हमको, जब ए की कमी होगी तो रेडॉप्सिन खत्म हो जाता है, रेडॉप्सिन नहीं होगा तो हमको कोई चीज दिखाई नहीं देती है, और इस प्रकार से हमको कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कह देते हो, क्या कह देते हो? जिसको कह देते हो नाइट ब्लाइंडनेस, और इस प्रकार से हमें रतौंधी रोग हो जाती है। और हमारे पोल जनाब कहाँ गए? चलो ठीक है, बी वाला आंसर आपका सही है, और 52% बिल्कुल सही है। चलें आगे, आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। व्यक्ति में विटामिन B6 की कमी के कारण होता है, विटामिन B6 की कमी के कारण रक्तस्राव, रिकेट्स, अरक्तता या फिर काली जीभ रोग? विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कौन कह रहा है शिवानी? मलाई खाने से रतौंधी नहीं होता है, बहुत बढ़िया, मलाई इसका ट्रीटमेंट है, ऐसे मतलब क्या बोले इनमें हम, ठीक है, पर चलो मजे के लिए क्या कर सकते हो। विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया हो जाता है, क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है,
ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, एनीमिया हो जाता है विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विटामिन जो साधारणता मनुष्य के यूरिन से निकल जाता है, नॉर्मली जो हम लोग चीजें खाते हैं यूरिन से कौन सा विटामिन पूरा निकल जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? जल्दी से आंसर करेंगे। द विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन बाई ह्यूमंस, मनुष्य के यूरिन से कौन सा विटामिन निकल जाता है पूरी तरीके से? तो कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी जो है यूरिन से निकल जाता है। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, विटामिन बी, सॉरी विटामिन सी जो है ऑप्शन नंबर बी, और विटामिन सी मनुष्य के यूरिन से निकल जाता है, श्रावित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अब यहां से केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो रही है और 8 प्रश्न 6 मतलब कि ये क्वेश्चन जो है हम केमिस्ट्री के देखेंगे। कृत्रिम रेडियो गतिविधि या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था, अब आपको सही सही जवाब देना है कि कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने करी थी। जो ऐसे रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल के द्वारा करी गई थी, लेकिन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी है? मैरी क्यूरी, आयरन क्यूरी या फिर पियरे, आयरन क्यूरी या फिर एंडरसन? बताएंगे जल्दी से, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कृत्रिम रेडियो गतिविधि की खोज किसके द्वारा करी गई? लकी यादव, मोहिनी, निधि, योगिता, अशोक, आरती, पूर्णिमा, नीरज, नेहा, लक्ष्मी, सोना, सोनम, अमित, प्रदीप, निकिता, महिमा, सभी बताएंगे जितने बच्चे, आरडी गर्ल, बिल्कुल आयरन क्यूरी और फ्रेडरिक जूलेट, कल बताए थे ना, फ्रेडरिक जूलेट और आयरन क्यूरी के द्वारा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव की खोज करी गई थी। 12% लोगों का, 12 लोगों का नाम बिल्कुल सही है, आया है इस पर। चलो आगे देखेंगे, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है, घटते हुए क्रम में बतानी है भेदन क्षमता, कौन सब बहुत जल्दी से आर पार निकल जाता है, गामा की सबसे ज्यादा देन बीटा देन अल्फा, बीटा गामा अल्फा, बीटा अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा, घटते हुए क्रम में इनकी भेदन क्षमता बतानी है। मैम आज आप हम पुराने को भूल जाओगी, आप बहुत है आज, बहुत है। नहीं भारती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मतलब नए लोग जुड़ते जाएंगे तो हम पुराने लोगों को भूल जाएंगे। सब दिखाई दे रहे हो एक तरफ से, सारे दिख रहे हो, जैसे कि सपना भी है क्लास में, सपना तो बहुत पुराने टाइम से हमसे जुड़ी हुई है ना, तो ऐसा नहीं है कि इतने लोग हैं तो हम इनको नहीं देखेंगे। जैसे अंबिका जुड़ी हुई है हमारे साथ में, तो ऐसा नहीं है, क्लास में सबको इम्पोर्टेंस मिलेगी, ठीक है। अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है गामा की, देन बीटा की, देन अल्फा की, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये वाला वो क्वेश्चन है जैसा कल मैंने आपको दिया था, आप नहीं कर पाए थे, ठीक है, हमने सिखाया भी था, हमने बोला था दोबारा से इसको देखना, ठीक है, दोबारा से इसको देखना, और पता नहीं देखे हो कि नहीं देखो, इसीलिए दो तीन क्वेश्चन लेकर के आए ताकि आज आप सीख जाओ, ठीक है, ताकि आज आप सीख जाओ। एक रेडियो धर्मी तत्व है 90X232 परमाणु 6 के बाद एक स्थिर तत्व देता है, इस नाभिकीय प्रक्रिया में उत्सर्जित अल्फा बीटा कणों की संख्या क्रमशः 82Y208 होगी। देखना एक बार से मेरी बात सुनो, इसका पहले प्रोसीजर देख लो, ठीक है, इसका एक प्रोसीजर देख लो, क्या कहता है 90X232, सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये निकालना है 82Y208, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपके पास ये कण था, इससे कितने अल्फा और कितने बीटा कण उत्सर्जित हुए कि हमको ये वाला तत्व मिल गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला कि नंबर ऑफ
अल्फा पार्टिकल अल्फा कणों की संख्या, कितने अल्फा कणों का उत्सर्जन हुआ, अल्फा कणों की संख्या कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला है परमाणु भार में कमी। क्या फॉर्मूला है? परमाणु भार में कमी बटे में चार। ठीक है, इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हो अल्फा कण। जो आपसे पूछा गया ना भैया इसमें से कितने अल्फा कण उत्सर्जित हुए हैं, तो अल्फा कण निकालने के लिए फॉर्मूला परमाणु भार में कमी बटे में चार। परमाणु भार कितना दिया गया है, 232 में से 208 माइनस कर दो बटे में चार, क्या हो जाएगा, 12 में से 8 गए चार, 3 में से 1 उधार गई दो, चार, चार एकम चार, चार छंग 24, मतलब 6 अल्फा कण उत्सर्जित हुए हैं। कितने? 6 अल्फा कण। अब आपको इससे क्या पता चल गया, इसमें पता चल गया आपको कि इससे 6 अल्फा कण उत्सर्जित हुए, है ना। लेकिन अब तुमको ये होगा कि भैया चाहे 6 निकले हो चाहे 10 निकले हो हमें नहीं पता, हम क्या करें इन 6 का। तो पहले ये क्या नोट देख लो, एक नोट, अगर किसी भी तत्व से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में कितनी कमी और परमाणु भार में कितनी कमी होगी है। तो एक अल्फा कण किसके बराबर होता है, एक हीलियम नाभिक के परमाणु के बराबर होता है। एक अल्फा कण किसके बराबर होता है, एक हीलियम के नाभिक के अणु के बराबर होता है। तो आप देख रहे हो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु भार 4 है ना, परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु भार 4 है। अगर किसी तत्व से एक अल्फा कण उत्सर्जित हुआ, ठीक है, एक अल्फा कण उत्सर्जित होने से क्या होता है, एक अल्फा कण उत्सर्जित होने से क्या होता है, परमाणु क्रमांक में एटॉमिक नंबर, ये होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये होता है एटॉमिक वेट, परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक में सुनते जाओगे तो आ जाएगा परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक में किसकी, यहां 2 लिखा है ना, 2 की कमी, तथा ये क्या है, परमाणु भार ऊपर, परमाणु भार जिसको एटॉमिक वेट लिख देते हो, क्या लिखा है 4, तो परमाणु भार में 4 की कमी होती है। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्या मतलब, अगर किसी तत्व से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो एक अल्फा कण उत्सर्जित होने से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी होती है। यहां पर हमने क्या देखा, कितने अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, 6 अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं। कितने? 6 अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, किसमें से, 90x232 में, ठीक है, 90x232 में 6 अल्फा कण जब उत्सर्जित हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होगी, एक में 2 की कमी होती थी, एक अगर एक अल्फा कण उत्सर्जित होता था तो 2 की कमी, तो जब 6 अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं तो 6 × 2 = 12 की कमी है ना, 12 की कमी, मतलब इसमें से 12 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8, 9 में डाले गए 8, 8 में 1 से 1 गए 7, कितना परमाणु क्रमांक बचा, 78 बचा, कितना बचा, 78 बचा। अब देखो परमाणु भार में क्या प्रभाव पड़ता है, एक अल्फा कण उत्सर्जित होने में परमाणु भार में 4 की कमी, तो यहां पर 6 उत्सर्जित हो रहे हैं तो 6 × 24 की कमी, कितने की कमी होगी, 24 की कमी होगी, तो 232 में से 24 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 4 जाएंगे 8, 0, 2, कितना हुआ यहां पर, 208। कुछ क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में हमारे दिया गया है, क्वेश्चन में हमारे ये वैल्यू थी 82y208, क्या है, 82y208 हमें निकालना, क्या है, 82y208, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। तो 6 अल्फा कण उत्सर्जित होने में ये बचा है, हमने देखा यहां पर 208, ये 208,
अब हमको बीटा कण निकालने हैं ना, बीटा कण। तो बीटा कण का नोट सुन लो एक बार से, बीटा कणों का नोट सुन लो। एक बीटा कण एक इलेक्ट्रॉन के नाभिक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन के नाभिक के। तो यदि किसी कण से, यदि किसी तत्व से एक बीटा कण उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित मतलब इमिटेड, ठीक है, उत्सर्जित होने पर यहां पर कितना लिखा है? एक। तो परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर में यहां पर थोड़ा सा चेंज है कि यहां पर एक की कमी नहीं होगी, एक की वृद्धि हो जाती है, एक की वृद्धि। लेकिन यहां पर जीरो लिखा हुआ है। परमाणु भार में क्या होता है? परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर कितने, 78 से कितने बढ़ाओ तो 82 हो जाएगा, 78, 79, 80, 81, 82, चार बढ़ रही हैं और यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज। इसका मतलब कितने बीटा कण उत्सर्जित हुए? चार बीटा कण उत्सर्जित हुए। तो आंसर आपका क्या आ गया? 6 अल्फा कण और 4 बीटा कण। कितने लोग को समझ में आया? बिल्कुल टाइम नहीं जाता नावन्या, अभी तो हमको थ्योरी लिखने में टाइम चला गया, समझाने में टाइम चला गया है, नहीं तो इसको सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा। लक्ष्मी, अगर दिमाग इधर उधर जाएगा, अगर आप ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ में बोर्ड की तरफ नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ये रूल है प्रभात, ये रूल है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये रूल है इसका। बाकी चैप्टर आप डिटेल में पढ़ते हो तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, अल्फा कण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा कण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? परमाणु भार में कमी बटे में 4। इससे आप निकाल लेते हो कितने परमाणु, कितने अल्फा कण उत्सर्जित हुए? 6 उत्सर्जित हुए। तो हमने यहां से 6 को उत्सर्जित कर दिया। जैसे ही 6 को उत्सर्जित किया, जैसे ही हमने 6 को उत्सर्जित किया तो हमको एक नया तत्व मिल गया। फिर हमने देखा इससे कौन सा वाला हमको फाइंड आउट करना है इसमें। अब हमने देखा इसमें कितने बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं। बीटा कण निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला, कितने की वृद्धि हो रही है, जितने की वृद्धि हो रही है बस उतने ही बीटा कण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 6 अल्फा और 4 बीटा। कोई बात नहीं नेहा, बहुत बढ़िया, चलो आज समझ में आ गया। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं नंदिनी, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने सुपर टेट में भी पढ़ाया हुआ है। सुपर टेट के बैच में भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं कि आपके सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखो ये क्वेश्चन, 90 थोरियम 232 लगातार चरणों में अगर इससे हम 1 अल्फा कण और 2 बीटा कण उत्सर्जित करें तो हमको क्या मिलेगा? 1 अल्फा कण 1 अल्फा कण और 2 बीटा कण अगर हम इससे उत्सर्जित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 90 U 228, 88 रेडियम 230, 88 रेडियम 228, 90 थोरियम 228। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 90 थोरियम 232, इससे हम पहले 1 अल्फा कण है ना, 1 अल्फा कण उत्सर्जित कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ इधर हम परमाणु क्रमांक में 2 की कमी कर दें, परमाणु भार में 4 की कमी कर दें। चलो फटाक से कमी करो, 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 88 बचेगा। चलो यहां पर x मान लेते हैं, ऊपर हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 2 2 2 2 8, ठीक है। फिर कह रहा है 2 बीटा कण भी खो देने। अब हम इससे 2 बीटा कण उत्सर्जित करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा? 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? क्या 88 89 90 थोरियम 90 और ये इधर 228 ही रहेगा। आया कि नहीं आया? 90 थोरियम 228, डी वाला ऑप्शन। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो, कोई ऐसा जिसको रेडियम का 88 कैसे आ जाएगा, 88 कैसे आएगा? पहले अल्फा कण उत्सर्जित हो रही है, फिर 2 बीटा कण, पहले 1 अल्फा कण
और दो बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं। एक अल्फा कण उत्सर्जित होने में एटॉमिक नंबर में 2 घटा दिए, एटॉमिक वेट में 4 घटा दिए, ठीक है। फिर हमको जो प्रोडक्ट मिला उसमें से 2 बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, तो 2 हमने जोड़ दिया एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक वेट में कोई चेंज नहीं, तो क्या आ गया 90 थोरियम-228। क्लियर? कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो, कोई भी सिंगल पर्सन जिसको नहीं आया हो, अब बताएंगे अब आया कि नहीं आया। अब देखो अगर एक बार में नहीं आ रहा है ना, धीरे धीरे करके आ जाएगा। गामा किरणें हैं, गामा किरणें सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया हर्षा। गामा किरणें उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगे, उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा प्रोटॉन या फिर उच्च ऊर्जा मेसोन, ये कहां के हैं बताएंगे। गामा रेस क्या होती है? गामा रेज, अब जितने बच्चों को नहीं आया ना, देखो समझाने का प्रोसीजर तो वही है। ऑनलाइन क्लास का फायदा यही होता है, आप एक चीज को दो बार ही देख सको, है ना, आप एक चीज को दो बार देख लो कम से कम, तो दोबारा से इसी चीज को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर। गामा रेज हमारी क्या होती है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उच्च ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। और गामा रेज हमारी कैसी होती हैं? उदासीन होती हैं, ठीक है। गामा रेज हमारी कैसी होती हैं? उदासीन होती हैं, कोई चार्ज इनमें नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न। बीटा कणों का उत्सर्जन होता है एक परमाणु का वैलेंस खोल, रुको भैया टाइम हो गया है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, अब दूसरी क्लास होगी। परमाणु के आंतरिक खोल, परमाणु के रूपांतरण न्यूट्रॉन बराबर प्रोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन का नाभिक, और परमाणु रूपांतरण प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ऐसा कुछ। पोल लगता नहीं है, बस आप कमेंट पे आंसर कर देते हो तो यहां पर आपका आंसर पहुंच जाता है। तो बीटा कणों का उत्सर्जन किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन। अच्छा सुनो भैया, 4 बजे आज आप सभी को फिर से ज्वाइन करना है, 4 बजे आप सभी को फिर से ज्वाइन करना है, जिसमें कि आपको साइंस के ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सीटेट का क्लास लगा हुआ है, सीटेट वाला, तो एनसीईआरटी आधारित प्रश्न होंगे। 4 बजे आपको ज्वाइन करना है, बिल्कुल। हम इसके बाद वीडियो ही बनाने जा रहे हैं, इसके बाद हम वीडियो ही बनाने जा रहे हैं, कोर्स कैसे परचेज करें, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से क्या होता है? डिक्रीज ऑफ 2 यूनिट्स इन चार्ज ऑफ एटम, इंक्रीज ऑफ 2 यूनिट्स इन द चार्ज ऑफ एटम, डिक्रीज ऑफ 2 यूनिट्स इन मास। लास्ट क्वेश्चन है, बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का 30वां प्रश्न। आपको बताएं क्या हो जाता है? परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। और 251 से हमें लग रहा है ज्यादा बच्चों का इस पे दिखता नहीं है, तो घनश्याम कुछ है, बहुत बढ़िया। आरडी गर्ल, सोनम, भारती, निधि, सूरज, सुलोचना, बिंदु, बहुत बढ़िया। चलो आज के लिए इतना ही, कैसी लगी क्लास जरूर से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, दोबारा से क्लास को देखिए। अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है, लेवल टफ लग रहा है, आपको सीखने की ज्यादा जरूरत है, तो दोबारा से क्लास को पलट करके देखो, एक क्लास को 2-2 बार। अच्छा बीच में ऐसा होगा कि कल आपकी और क्लास होगी फ्राइडे और सैटरडे को, बीच में 2 दिन क्लास नहीं होगी। रीजन ये कि हमको घर जाना पड़ रहा है किसी रीजन कारण की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से अभी कल क्लास होगी आपकी, कल आपको ज्वाइन करना है, बाकी जब नहीं होगी तो हम बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आप सभी कल 1 बजे हम लोग फिर से जुड़ेंगे, 1 बजे आपको ज्वाइन करना है और कल